पड़े थे। अच्छा अच्छा, उधर पहले निकल जा रहे हो? हाँ, क्या करेंगे, बाप रे बाप, इतनी भीड़ है। काम धंधा चल ही नहीं रहा था, क्या करें। कितने बजे से आए हो? अरे सुबह से ही आए। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर, और अब सामने आई पलायन की तस्वीरें। बड़ी तादाद में घर की तरफ लौटने लगे हैं मजदूर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकार हरकत में आ गई है। पूरे महाराष्ट्र में पाबंदी लगा दी गई है। देश में करीब एक दर्जन राज्यों ने अपने यहाँ पाबंदी लगा दी है। ऐसे में अब लॉकडाउन का खतरा बढ़ता देख प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। बीते दिनों में दिल्ली पुणे से तस्वीरें सामने आई, और अब मुंबई का भी यही हाल है। मजदूरों को याद है पिछले साल की तस्वीरें। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारतीय मजदूरों की भारी भीड़ है। हर कोई अपने घर को लौट जाना चाहता है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अचानक लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल जैसे हालात बन जाएंगे। आइए जानते हैं कि इन प्रवासी मजदूरों का क्या है कहना। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट। मुंबई से लगातार प्रांतीय मजदूरों का पलायन है, लेकिन नजारा आप देख लीजिए, एक के ऊपर एक जो लोग हैं वो यहाँ पर लद कर जा रहे हैं कहीं न कहीं दो सरके से, जो इनकी परेशानियां हैं, इनकी तकलीफें हैं। देखिए ये गेट है, ये लोकल ट्रेन, ये जो माफ़ कीजिएगा, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, यहाँ से जो उत्तर प्रदेश बिहार की जो ट्रेनें जाती हैं कोटला टर्मिनल स्टेशन से, यहाँ से लोग जाते हैं। लेकिन नज़ारा देखिए, एक के ऊपर एक लोग लद के जा रहे हैं, मजबूर हैं क्योंकि काम धंधा बंद है, पूरी तरह लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वजह से ये अपने गांव जाना चाहते हैं, कैसे भी गांव जाना चाहते हैं, चाहे जितनी भी तकलीफें हों वो झेल लेंगे, लेकिन अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल एक तरफा ट्रेन बंद हुआ था, पूरी तरह से लोग घरों में कैद हो गए थे, वैसी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वैसी दशा ना हो, दिशा ना हो, इस वजह से लोग अपने गाँव जाना चाहते हैं। देखिए कुछ लोगों से, भाई साहब कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? गाँव गोरखपुर। क्यों जा रहे हैं इस तरीके से? इतनी घर जा रहे हैं अपने, घर जा रहे हैं, मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, डेढ़ दिन हो गया था, 8-9 महीने घर जा रहे हैं। अच्छा, 8 माह पूरा बंद है, इस वजह से भी गांव जा रहे हैं? नहीं, हाँ उसकी वजह जा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए एक और यहाँ पर आप नज़ारा आप देखेंगे, अंदर बैठ के लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं। ये बताइए भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर। क्या मजबूरी है, क्यों इस तरह से गाँव जा रहे हैं, एक के ऊपर एक लद के जा रहे हैं लोग? आप लोग देखिए नज़ारा, ये अंदर का डब्बे के अंदर जो है, हम चढ़ तो नहीं सकते, लेकिन नज़ारा देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं। गर्मी का सीज़न है, गर्मी का माहौल है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लोग लद कर यहाँ से गांव जाने के लिए मजबूर हैं। कहीं ना कहीं पेट का सवाल है, जिस तरह से काम धंधा पूरी तरह से बंद है, ये भी एक वजह, प्रमुख वजह उसकी मानी जा रही है। और कुछ लोगों से हम कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह से, क्या नाम है भाई साहब, कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा नाम शमसुद्दीन है, मैं जरवा रोड जाना चाहता हूँ। क्यों जा रहे हैं इस तरह से लद के, इतनी तकलीफ? अरे क्या करेंगे, अभी महीना भर नहीं हुआ पूरा, यहाँ पे आए थे काम करने के लिए, लॉकडाउन फिर से लगा दिया, जाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे यहाँ पे। जी सर, वापस आएंगे गांव तो जा रहे हैं, अब खुलेगा तो आएंगे, नहीं तो वहीं कोई काम देखेंगे सर। ये देखिए अंदर देखना जा रहा, यहाँ पर जो लोग बैठ गए हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, एक डब्बे के अंदर जो सीट से ज़्यादा जो सीट होती उससे डबल लोग यहाँ पर अंदर बैठे हैं, बस कैसे भी करके अपने वो गांव जाना चाहते हैं, अपने घर पहुँचना चाहते हैं। कहाँ, क्या, कौन सा गांव जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सिद्धार्थनगर। क्यों जा रहे हैं, क्या वजह, क्या डर सता रहा है? कोरोना के वायरस की वजह से इतना लोग बैठे हैं, अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव हुए तब आप क्या करेंगे? तो मरना ही है, गाँव पहुँच के मरना है। अच्छा, हाँ, काम धंधा बंद हो गया पूरी तरह से? बिल्कुल एकदम बंद है, 8-10 दिन से घूम रहा हूँ। ये देखिए नज़ारा, आप पूरी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा डबल यहाँ पर लोग बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, चारों तरफ आप देखिए, अब ये ट्रेन यहाँ से छूटने वाली है। गर्मी का माहौल है, पसीना पूरी शरीर पर लथपथ भरा है, फिर भी लोग गांव जाने के लिए मजबूर हैं, बस अपने कैसे भी करके अपने गांव जाना चाहते हैं, चाहे जैसे पहुँचे। क्या क्या डर सता रहा भाई साहब, इस तरह से गाँव जा रहे, इतनी मुसीबत झेल के, इससे पहले ज़िंदगी में ऐसे गए थे गाँव? कभी नहीं गया। इस पर क्यों जा रहे हैं, यहीं रहते तो? अरे अभी अब इतना तबाही लगता है, कहाँ से खर्चा चलेगा, कौन खर्चा चलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, खर्चा कौन चलाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए अभी ट्रेन यहाँ से जवान हो गए, लोग हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं, बस अपने गांव जाना चाहते हैं, यही लोगों के अंदर एक खुशी की बात है कि कैसे भी करके अपने वो गांव पहुंच जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। ये देखिए मुंबई के रेलवे स्टेशन पे ये गांव छूट ट्रेन छूट जाएगी, ऐसे अनगिनत ट्रेनें हैं यहाँ पर जिससे लोग
सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ से अपने अपने गंतव्यों की तरफ पलायन करना चाहते हैं। यही वजह है कि कोरोना और पूरी तरह से लॉकडाउन 30 अप्रैल तक लॉकडाउन हो गया है। इसी वजह से लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, बस कैसे भी घर पहुंच जाएगा, यही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है।